विरोधी दलों द्वारा धांधली के आरोप के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया ने एक बार फिर संसदीय चुनाव जीत लिया है। शुरुआती नतीजों के बाद ही पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। रविवार शाम को पार्टी के समर्थकों ने नारे लगाते हुए बारिश के बावजूद देश की राजधानी मॉस्को की सड़कों पर जुलूस निकाला। पार्टी के अधिकारियों ने कहा कि देश पुतिन के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। चुनाव आयोग के अनुसार 55% से ज्यादा वोट गिने जा चुके हैं और क्रेमलिन की पार्टी 46.6% वोट हासिल कर चुकी है। अंतरिम नतीजों के मुताबिक कम्युनिस्टों को 21.3% वोट मिले, जबकि दक्षिणपंथी LDPR को लगभग 8% वोट मिल रहे हैं। इन सभी दलों को व्यवस्था का करीबी और समर्थक माना जाता है। रूस में 3 दिन तक वोटिंग चली थी, जिसमें देश के निचले सदन ड्यूमा की 450 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। हालांकि ये वोटिंग शिकायतों और आरोपों से भरी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा कि चुनाव अधिकारियों को उल्लंघन की 750 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने घोषणा की कि शिकायतों की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि रविवार सुबह तक 7,000 से ज्यादा बैलेट रद्द किए जा चुके हैं। जेल में बंद पुतिन विरोधी नेता नवाल्नी अपने आपराधिक रिकॉर्ड्स के चलते चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने यूनाइटेड रशिया पार्टी के खिलाफ रणनीतिक विरोध के लिए वोटिंग की अपील की है। उनकी टीम ने एक ऐप लॉन्च की थी, जिसमें रणनीतिक वोटिंग की जा सकती है, लेकिन शुक्रवार को इस ऐप को गूगल और प्ले स्टोर से हटा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक नवाल्नी को रूस के संसदीय चुनावों में मतदान का भी अधिकार नहीं है। ड्यूमा सदस्यों के चुनाव के लिए देश और विदेश में रहने वाले 11 करोड़ लोगों को मतदान का अधिकार था। रविवार शाम तक 45% लोगों ने ही मतदान किया था। लोग ऑनलाइन भी वोट कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने भी ऑनलाइन मतदान ही किया था। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।